हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एवी बॉक्स ऑफिस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंगीला राजा मूवी के 3 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उससे पहले दोस्तों, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ साथ में लाइक करें और अपनी दिल की बातों को कमेंट करें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें रंगीला राजा मूवी के बारे में तो मूवी की काफ़ी तारीफ हो रही है, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं, रिव्यूज़ इसके मिक्स्ड टू पॉजिटिव आए हैं। हाँ जी जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के रिव्यूज़ मिक्स्ड टू पॉजिटिव आए हैं। कोई बंदा इस फिल्म की तारीफ कर रहा है तो कोई बुराई कर रहा है। अगर वहीं पर बात करें इस फिल्म के VFX की, तो इस फिल्म के ना आधा काम 90s का कराया गया है, 90s के VFX भी लगाए गए हैं इस फिल्म के अंदर। तो दोस्तों, यह फिल्म काफ़ी शानदार बनाई गई है, गोविंदा सर जी ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है। बट इतने बड़े स्टार को देखकर इस फिल्म को जो इतनी कम स्क्रीन ना, काफी गलत बात लग रही है दोस्तों। तो दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि गोविंदा सर जी के खिलाफ काफी बड़ी साजिश चल रही है। अगर बात करें हम गोविंदा सर जी की पुरानी फिल्म है फ्राइडे की, तो फ्राइडे को भी काफी कम स्क्रीन दी गई थी। तो दोस्तों, अगर साथ ही साथ में हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह अपने फर्स्ट डे काफी अच्छा कारोबार करके दिखा पाई। बट जिस तरीके से अगर अपन इतने बड़े स्टार की फिल्म को अगर अपन अंदाजा लगाएं, तो यह उनके हिसाब से कुछ भी कारोबार नहीं है, क्योंकि जो कारोबार इस फिल्म को करना था वो इसकी स्क्रीन काउंटिंग की वजह से नहीं कर पाई। अगर बात करें हम इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस फिल्म ने जो रिलीज डेट थी वो थी थैंक्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ में। जहाँ पर थैंक्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हुई, वहीं पर अगर रंगीला राजा होती तो हिट हो जाती और करोड़ों का कारोबार भी करती और इसको अच्छी स्क्रीनें भी मिलती। क्योंकि जिस तरीके से थैंक्स ऑफ हिंदुस्तान को मुँह तोड़ और मुँह के बल गिरी है वो फिल्म, उस हिसाब से रंगीला राजा की फिल्म की स्क्रीन बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगर बात करें हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने जो अपने पहले दिन का कारोबार करा था वो तकरीबन करा था 35 लाख रुपए का, और ऑल ओवर इंडिया का इस फिल्म ने जो कारोबार करा था वो करा था 1 करोड़ रुपए का। वहीं पे बात करें दोस्तों इस फिल्म के सेकंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सेकंड डे इस फिल्म ने जो कारोबार करा है वो करा है 60 लाख रुपए का, और ऑल ओवर इंडिया का इस फिल्म ने जो कारोबार करा है वो करा है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। वहीं पे इस फिल्म ने जो अपने तीसरे दिन का कारोबार करा है वो करा है 65 लाख रुपये का, और दोस्तों मैं बता दूँ कि इस फिल्म ने जो ऑल ओवर इंडिया का कारोबार करा है वो करा है 1.5 करोड़ रुपये का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म अपना बजट निकाल पाएगी? और मुझे लगता है तो यही है कि अपना बजट तो निकाल लेगी, बट क्या ये लाइफ टाइम कारोबार कितना कर पाएगी? और आपको क्या लगता है दोस्तों कि गोविंदा सर जी के साथ में ऐसी साजिश से क्यों चली जाती है, उनकी फिल्मों को हमेशा कम स्क्रीन क्यों दी जाती है? प्लीज़ यार अपन कमेंट करके बताएं। गोविंदा सर जी के लिए तो जनता, गोविंदा सर जी के लिए एक लाइक तो है बनता है, तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें अपने दिल की बातें कि गोविंदा सर जी के साथ में इतनी गलत बातें क्यों हो रही हैं। चलिए दोस्तों, मैं अलविदा चाहूँगा आप सभी से अपने अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।